हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक डी मेरी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। सो गाइस, कैसा है आप सभी का खबर? आई होप कि आप सभी का खबर एकदम बढ़िया होगा। सो गाइस, अभी हम लोग नहाने के लिए जाएगा बहुत ही बढ़िया जगह में, एक बहुत ही बड़ा मतलब नदी है वहाँ पर, अभी हम लोग नहाने के लिए जाएगा क्योंकि गर्मी है ना दोस्तों, बहुत ही गर्मी, यार रह नहीं सकते, अभी भी बहुत ही गर्मी यार, देखिए अभी भी बहुत डूब दे रहे, इसलिए अभी हम लोग जाएगा नदी में नहाने के लिए और साथ साथ आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जगह दिखाएंगे। सो गाइस, बने रहे वीडियो में एंड तक, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। अभी हम लोग जाएगा नदी में नहाने के लिए। सो गाइस देखिए, इधर ये है हमारा गांव का ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज है, बेम्बू से बना हुआ ब्रिज है, बहुत ही खतरनाक ब्रिज है दोस्तों, ये हमारा गांव का। और इधर आगे है हमारा गांव, देख सकते हैं आप लोग, हमारा गांव है पूरा नेचुरल से भरा हुआ गाँव है, आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा पेड़ पेड़े, मतलब पूरा नेचुरल से भरा हुआ गाँव है हमारा ये, क्योंकि अभी सुबह बहुत ही जोरदार बारिश दिया था ना दोस्तों, सुबह जोरदार बारिश दिया था, इसीलिए ये नदी पूरा फ्लड हो गया है, पूरा बढ़ के आ गया है पानी, अभी आप देख सकते हैं ये नदी अरुणाचल से आते हैं दोस्तों, अरुणाचल से आते हैं और इधर आसाम की तरफ बहते जाती है, अभी ये पूरा नदी फ्लड हो गया है, मतलब पूरा पानी बढ़ के आ रहा है। अभी हम लोग नहाने के लिए जाएगा, मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो आने से हम लोग जाएगा नहाने के लिए और दिखाएंगे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जगह। तो अभी मेरा भाई आ गया है, अभी हम लोग जा रहा है नहाने के लिए। और सो गाइस देखिए, सुबह बहुत जोरदार बारिश दिया था ना, इसलिए पूरा फ्लड हो गया। ये देखिए मंदिर है और इधर देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, और इधर कोई कोई लोग मछली पकड़ रहे हैं अभी, और ये है मेन रास्ता, इसी रास्ता से हम लोग आप एंड आउट आते जाते रहते हैं, इसी रास्ता से हम लोग बाजार जाते, कहीं भी हम लोग इसी रास्ता से जाते। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग लोकेशन पर पहुंच गया है दोस्तों, और इधर देखिए आप लोग नजरा, यहाँ का ब्यूटीफुल नजरा, ये देखिए बहुत ही खतरनाक जगह है ये दोस्तों, और ये क्या जगह है और इसको ऐसे क्यों बनाया गया है और ये क्या चीज है, मैं आप लोगों को ए टू जेड डिटेल्स बताऊंगा। पहले हम लोग वहां पर जाएगा ऊपर में बिल्डिंग में, वहां पर बिल्डिंग में जाएगा, अभी हम लोग बिल्डिंग में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाया है, रोसी से बनाया है वो सीढ़ी को, उस सीढ़ी से और उस सीढ़ी से हम लोग ऊपर में चढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे इस जगह के बारे में, ये जगह असल में क्या है और क्यों बने हैं इसको, ऐसे क्यों ये रह गया, कारण क्या है, रीजन क्या है, मैं आप लोगों को बताएंगे। और इसके बाद हम लोग नहाएंगे इधर नदी, देखिए वो सुंदर सा नाइस प्लेस नदी है, उस नदी में हम लोग जाके नहाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर में, और देखिए हमारा छोटा भाई उड़ गया, बुरे मजेदार, इधर देखिए हम लोग भाई लोग, इधर देखिए हम लोग भाई लोग, चलो चलो अभी हम लोग चलते हैं गाइस ऊपर में, ये देखिए ऊपर में बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में हम लोग जाएगा और आप लोग को दिखाएंगे ऊपर से गाँव का नजारा और यहाँ का नजारा। सो गाइस बने रहे, पूरी मजेदार होने वाला, अभी भाई लोग जा रहा है, ओए तुम लोग ना जो लोग उठ सकते हैं वही लोग उठो और जो लोग उठ नहीं सकते तुम लोग मार उठो, बाई चांस गिरेगा तो मेरा ही बरनाम होगा, है कि नहीं गाइस, इसलिए मैं आप लोग को सीधा सीधे बोल देता हूँ। अभी हम लोग चलेगा ऊपर में, ऊपर में सही रहा सब ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग पहले बार कमांडो ट्रेनिंग दे रहा हूँ दोस्तों, ये वो भी बहुत खतरनाक, ठीक है ना ऊपर में, अच्छा सो गाइस फाइनली अभी हम लोग बिल्डिंग का ऊपर में आ गया है, और देखिए बिल्डिंग का ऊपर का नजारा बहुत ही बढ़िया है। हम लोग कितना है, वन ये छोटो और ये तीन चार पांच, तो हम लोग बिल्डिंग का ऊपर में आ गया है दोस्तों, अभी दिखाएंगे आप लोगों को बिल्डिंग का ऊपर से और यहाँ का नजारा, इस इलाका का नजारा, चलो दिखा दे दिया आप लोगों को यहाँ का नजारा बिल्डिंग है। रे बाबा ये बाबा क्या बंगला था, इसको क्यों बनाया था, ओए ओए जहां तहां मत उठो यार, गिरेगा यार, ध्यान से आराम से, अभी दिखाएंगे आप लोगों को नीचे नीचे, वो क्या चीज हो सकता है गाइस, बोलिए बोलिए, कुआ का जैसा है, बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक जगह है दोस्तों ये, बाप रे। और इधर एक छोटा भाई है, इधर छोटा भाई है, और देखिए नजरा, वाह ये क्या चीज है, उसको क्यों बनाया गया है, मैं आप लोगों को अभी एक चीज पूरा बताएंगे दोस्तों। और इधर देखिए आगे, वो नजरे कुछ अलग है यार, देखने के लिए बड़ी बढ़िया सुंदर नाइस प्लेस, वो घर है, इधर देखिए नजरा पूरा, क्या बोलता है उसको, ग्रीन ग्रीन हरियाली, क्योंकि गाँव का नजर है ना, ऊपर से देखने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है यार, देखिए आप लोग देख सकते हैं आगे, इधर उधर धान का खेती बुआई किया है, वो इधर है पूरा, मतलब ग्रीन ग्रीन गांव का नजर है, इधर देखिए घर, और इधर आके आगे देखिए नदी है, और वहां पर देखिए वो सुंदर सा जगह है ये दोस्तों, ये अरे बाबा, ओ माय गॉड यार, बहुत खतरनाक जगह है यार ये, और देखिए दोस्तों बहुत ही गर्मी है यार, बहुत ही गर्मी, माय गॉड यार। और इधर ये लोग बैठ रहे हैं अभी, कैसा लगा तेरे को यहाँ पर आके, अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा ना। और इधर देखिए हमारा बाइक और साइकिल, उधर देखिए नजरा नदी, और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही खतरनाक जगह। सो गाइस देखिए, ओ अभी हम लोग वहां पर भी जाएंगे नीचे,
ठीक है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, नीचे जाके भी दिखाएंगे आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों ये एक पावर प्रोजेक्ट है, हाँ इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, एक कंपनी आके यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, मतलब बना रहा था, बाद में इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके ये काम को पूरा बंद करवा दिया। क्योंकि कंपनी इसको बना रहा था इस प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बिजली बनाने के लिए, मतलब बिजली बनाने वाला था, अभी मतलब ये बंद हो गया, बिल्कुल ये काम बंद हो गया है। क्योंकि करोड़ों रुपया कंपनी ने यहाँ पर मतलब खर्चा किया है, बाद में ये काम बंद हो गया, बस इसके बाद ये ऐसे ऐसे रह गया। देखिए वो अगर ये काम हो जाने से ना दोस्तों, हम लोग भी बहुत ही सुविधा मिलने वाला था, क्योंकि हमारा गांव में बिजली फ्री हम लोगों को मिलने वाला था, क्योंकि हमारा गांव में बिजली नहीं है दोस्तों। मतलब ये काम हो जाने से, क्योंकि ये काम 2010 या 12 में हो गया था, आज तक ये काम पूरा हो जाने वाला था कम्प्लीटली, लेकिन बंद हो गया ना, क्या करेगा अभी, ऐसे ऐसे रह गया। अरे यार आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, ये जगह को देख के कैसा लगा और ये काम हो जाना सही है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं उसको पूरा जूम करके दिखाएंगे आप लोगों को, जूम करके नजरा तो मेरे को बड़े अच्छा से देख रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा वो नजरा देखे, ठीक है। वो छोटा सा नदी से नदी है, अरुणाचल से आया नदी है, अभी उसको थोड़ा जूम करके आप लोग को बताएंगे, मतलब आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए जूम करके मैंने देखा दिया आप लोगों को, देखने के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ग्रीन ग्रीन हरियाली सामने सामने, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह है, जंगल है, पेड़ है, ये देखिए वो बहुत ही बढ़िया है। उधर देखिए वो जंगल है, और आगे देखिए खेती पठार, उधर गांव का खेती पठार है, हमारे गांव का उस तरफ है दोस्तों, उस तरफ हमारा गाँव आगे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा मछली भी मिलता है इस नदी में, और देखिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया था यार, बाद में ऐसे बेकार हो गया यार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके केस लगा दिया, केस लगा के ये काम बंद करवा दिया यार, नहीं तो ये काम आज तक पूरा कंप्लीट हो जाने वाला था। आज तक अगर ये काम पूरा कंप्लीट हो जाने से ना, हम लोग भी यहाँ पर बहुत ही काम मिलने वाला था, इस आसपास में जितना भी गांव है दोस्तों वहाँ पर सब बिजली फ्री मिलने वाला था, आसपास जितना भी लोग है यहाँ पर काम कर रहा था वो लोग भी यहाँ पर कुछ काम मिलने वाला था, लेकिन यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद करवा गए, इसको पूरा बर्बाद कर दिया, कंपनी पूरा बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपये नुकसान हुआ है। गाइस अभी हम लोग ऊपर से नीचे निकालते हैं, और नीचे निकाल के नीचे जाके आप लोगों को बताएंगे नीचे में और क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में, इस जगह में। चलते हैं नीचे गाइस, ये लोग निकल गया है नीचे, वो भी निकल गया है, अभी ये लोग भी निकलने वाला है, अभी मैं भी नीचे निकल जाएगा, नीचे निकल के आप लोगों को बताएंगे। वो देखिए नजारा यहाँ का बड़ी सुंदर नजर है यार, बढ़िया। तो गाइस मैं अभी नीचे आ गया, रिक्स यार बहुत रोड यार है यहाँ पर, मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर गिरेगा तो मतलब कुछ भी होगा, इंजुरी कुछ होने का चांस है यार। देखिए नीचे इधर वो बड़ी खतरा जगह है, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, फुल पानी हो गया। ये देखिए भाई साहब मेरा हाथ से मोबाइल गिर गया तो कटम यार, मोबाइल और ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, मतलब मोबाइल ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा, मोबाइल खराब हो जाएगा। देखिए कितना रिस्क यार यहाँ पर, ओ माय गॉड, बूढ़ी खतरनाक जगह यार। और आगे देखिए ये पानी आने वाला कुछ रास्ता, मतलब नाला था, कंपनी इसको मतलब बहुत ही अलग तरह से बनाया था यार, पूरा बिजली बनाने वाला ये एक प्रोजेक्ट था, लेकिन मतलब बंद करवा दिया ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेरे को इससे बहुत दुख लगा यार। अगर ये काम हो जाने से हम लोग का एरिया बहुत डेवलप होने वाला था, और हम लोग का एरिया में जितना भी लड़का लोग बेकार लड़का लोग बहुत ही काम मिलने वाला था, और बहुत ही डेवलप होने वाला था, बिजनेस मिलने वाला था यार, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके बंद करवा दिया, क्योंकि ये फॉरेस्ट के जमीन है ना, पट्टा माटी नहीं है, सरकारी माटी नहीं है, इसलिए बर्बाद हो गया ये प्रोजेक्ट। इधर देखिए ये पूरा पानी भरा हुआ ये, और नीचे तो जा नहीं सकता, नीचे पूरा आदमी डूब जाएगा, इतना दो है, इतना गहरा है यार दोस्तों यहाँ पर, और मेरे सर ये छोटा भाई एक है, बड़ी ठंडा पानी है, अपने फल उतर लेता हूँ। हाँ तुम लोग भी आजा, इधर आएगा, आओ ना फिर से, पूरा ये डूब गया, ये लाठी ना पूरा डूब गया नीचे दिखे, ओ बाप रे, कम से कम इसका लाठी का दो तीन लगेगा, पूरा डूब गया नीचे ये दिखे, ओ माय गॉड यार, ओए ओए, गिला नहीं है, मारने वाला था यार, बोर्ड नीचे यार, खतरा है यार, ओए, बहुत ही खतरा जगह है दोस्तों ये, नीचे बहुत गहरा तो है यार, अगर नीचे गिर गया ना वो पुरान और वापस नहीं आ सकेगा, बहुत ही खतरा यार, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रह सकता है अंदर में, नीचे में कोई साफ साफ कुछ, मतलब कुछ भी रह सकता है इस अंदर में, मतलब बहुत ही खतरा जगह है। ओ जाटा मत जाओ भाई, ठीक है ध्यान से, बहुत रिस्क का बात है यार। ये देखिए पूरा एक जगह मतलब अभी पूरा खराब हो गया, पूरा बर्बाद हो गया ये दोस्तों, और ऊपर देखिए वो उसी ऊपर में हम लोग गया था। सो गाइस अभी हम लोग नहाएंगे वहाँ पर, देखिए नजरा नदी में, उस नदी में हम लोग जाके नहाएंगे, बहुत ही खतरनाक नदी है दोस्तों वो, वहाँ पर जाके अभी हम लोग नहाएंगे, और ये भाई लोग भी नहाएंगे, ये भाई लोग बहुत ही खतरनाक है यार, वो लोग वहाँ पर जाके वैसे नहाते, और
थोड़ा ये लोग तैरना भी आता है। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग नहाएंगे, पूरा इंजॉय करेंगे दोस्तों। देखिए इधर वो बूढ़ी खातरा यार, सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा यार, और आज का वीडियो देख के मजा आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। अभी गाइस आज का वीडियो ये पे एंड करो, ठीक है? सो बाय बाय, टाटा।